सब्सक्राइब कीजिए सेल्फ अध्ययन गुरुजी चैनल को और रिंग आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। वेलकम फ्रेंड्स सेल्फ अध्ययन पर। आज की क्लास में हम देखेंगे कि बीकॉम में अगर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आता है तो किस तरीके से निकालते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम फ्रीक्वेंसी से एफ एक्स वगैरह की वैल्यू निकालते थे या एफ एक्स स्क्वायर निकालते थे। लेकिन यहाँ पर हमसे अगर फ्रीक्वेंसी ही पूछ ले तो हम किस तरीके से फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है जिसमें A1 से लेकर E3 तक कुछ वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं और उन वैल्यूज़ के आधार पर हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम डिस्क्रिप्शन के रूप में देखेंगे और उसके बाद इसी चीज़ को फॉर्मूले के रूप में देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको एक्सेल में निकालेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले जो वैल्यू दे रखी है 50, उसको हम ले लेते हैं। तो 50 जो वैल्यू आती है वो आती है 40 to 60 के इंटरवल में। तो हमने यहाँ पर एक डंडा खींच दिया है जिससे उसकी वैल्यू डिनोट हो गई है कि वो 50 वैल्यू इसके अंडर में आती है। अगर हम आगे की तरफ चले तो 40 जो नंबर है, इसलिए हमने यहाँ पर 20 to 40 के बाद एक खींच दिया है यहाँ पर डंडा, जिससे पता लग रहा है कि वो हमारा जो 40 नंबर है वो यहाँ पर इसके इंटरवल के बीच में आता है। उसके बाद इसी तरीके से 30 जो हमारा आता है 20 to 40 के बीच में, तो यहाँ 1 से हमारे 2 डंडे यहाँ पर हो चुके हैं। और आगे की तरफ चलते हैं तो 25 जो कि फिर से 20 से 40 के बीच में आता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर डंडे खींचते चल रहेंगे और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे 69 जो 60 to 80 के बीच में आता है, आगे की तरफ चलते हैं 12 जो कि आता है हमारा 0 to 20 के बीच में, आगे चला 34 जो आता है हमारा 20 से 40 के बीच में, फिर आता है हमारा 80 जो आता है हमारा 60 से 80 के बीच में। 80 का मतलब है कि जो मैक्सिमम लिमिट है वो 80 तक, तो अपर लिमिट 80 है, इसका मतलब वो 80 जो है 60 to 80 के बीच में ही आएगा। ऐसा नहीं है कि वो 80 to 100 के बीच में आएगा। तो ध्यान रखना है जो अपर लिमिट है यानी कि वो अप टू लिमिट है, यानी कि 80 जो नंबर है वो हमारा 60 to 80 के बीच में ही आएगा। आगे की तरफ चलते हैं 95 जो कि आता है हमारा 80 to 100 के बीच, उससे आगे की तरफ चलें तो 99 जो आता है हमारा फिर से अगेन 80 to 100 के बीच, उसके बाद है 18 8। इस तरीके से हमने जैसे जैसे हमें नंबर मिलते गए और वो हम स्टिक वहाँ पे लगाते चले गए। तो यहाँ पर जो 5th है नंबर उसको हमने एक तरीके से क्रॉस कर दिया, यानी कि यहाँ पे 5 आंकड़े उसके पूरे हो चुके हैं। इसी तरीके से 54 जो 40 to 60 के बीच आता है, एंड देन फाइनली 76 जो आता है 60 to 80 के बीच। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा कि जो हमारी टोटल फ्रिक्वेंसी है, मतलब जो हमारे आंकड़े हैं, वो इस क्लास इंटरवल के बीच इतनी बार आए हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर फ्रिक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर बात आ जाए फार्मूला की लिखने की एक्सेल के अंदर, अगर पूछ ले डिटेल में कि कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये तरीका है कैलकुलेट करने का। आपको फाइनली ये जो सीट दिखाई दे रही है आपको एग्ज़ाम में इस तरीके से दिखाना है। और अगर पूछ ले फार्मूला, तो सीधे सीधे आपको ये फार्मूला पुट कर देना है। फ्रिक्वेंसी A1 से जो E3 है वो हमारा है डाटा एरे, मतलब जिसके आधार पर हम फ्रिक्वेंसी को निकालना चाहते हैं। और जो बाद में कोमे के बाद दे रखा है B1 से B9, वो है हमारा बिन्स एरे का मतलब है कि जो हमारी इंटरवल की लिमिट है किसके अकॉर्डिंग हम चाहते हैं। तो इसलिए जो बिन्स एरे है उसमें सिर्फ हम अपर लिमिट ही दिखाते हैं, यानी कि जो फाइनली 20 से 40 से 60 80 और 100 इसके बीच हो। लेकिन एक चीज़ ये ध्यान रखना है हमको, ये सारी की सारी फ्रिक्वेंसी हमें एक एक करके यहाँ पर तो हमें ऐसे फार्मूले में दिखानी होगी, बट अगर हम इसे एक्सेल में कैलकुलेट करते हैं तो हमें वहाँ पर एरे फार्मूले के ज़रिए ही फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। तो आइए देखते हैं कि हम एक्सेल में इसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर हम एक शीट ले लेते हैं एक्सेल के अंदर, जो बिल्कुल सेम डाटा हमारा दिया गया है जो अभी हमने प्रैक्टिकली देखा था, तो उसी तरीके को हम यहाँ पर एक्सेल में किस तरीके से फार्मूले में लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो भी हमें यहाँ पर फ्रिक्वेंसी दी हुई है उसको हम ऐसे नीचे तक सिलेक्शन ले लेंगे, यानी कि C5 से लेकर C9 तक आपको सिलेक्शन कर देना है, और उसके बाद ही आपको फार्मूला लगाना है, क्योंकि एरे फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले हमें उसका सिलेक्शन करना होता है। सिलेक्शन करने के बाद हमें फार्मूले को अप्लाई करना होता है, और उस फार्मूले को अप्लाई करने के बाद हमें एंटर नहीं करना, कंट्रोल शिफ्ट
एंटर, क्योंकि जो एरे फार्मूला है उसको हम कंट्रोल शिफ्ट एंटर से डाउन फिल करते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से हम उसको करते हैं। इक्वल फ्रिक्वेंसी, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, ये चीज़ आपको अपने प्रैक्टिकल यूज़ के लिए करना है, लेकिन एक्सेल में आपको पूछा जाएगा तो पीछे जो आपको फार्मूला बताया था वही आपको एग्ज़ाम में लिख के आना है। लेकिन आप अगर प्रैक्टिकली देखना चाहें कि एक्सेल में किस तरीके से कैलकुलेट होता है, तो यहाँ पे वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इक्वल फ्रिक्वेंसी डाटा एरे। डाटा एरे मतलब जो हमारे छोटे छोटे ये एलिमेंट्स हैं जिनको हम डाटा एरे बोलेंगे, क्योंकि हमें इन्हीं की फ्रिक्वेंसी का पता करना है क्लास इंटरवल के बीच में। तो जैसे ही हम कोमा अप्लाई करेंगे, कोमे के बाद हमसे पूछ रहा है बिन्स एरे। बिन्स एरे यानी कि हमारी जो बाइनरी एरे है ये हमारा इस तरीके से अपर लिमिट ही हमें डिफाइन करना है, ध्यान रखना है। और ब्रैकेट बंद करने के बाद एंटर नहीं करना, क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो इस तरीके से हमारी फ्रिक्वेंसी यहाँ पे फटाफट से कैलकुलेट हो चुकी है, जो हमने पीछे डिस्क्रिप्टिव तरीके से देखी थी। तो ये था फ्रिक्वेंसी निकालने का तरीका एक्सेल के अंदर, या आपसे पूछ ले डिस्क्रिप्टिव तो वो पीछे वाला जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था उस तरीके से आपको करना है। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी की वीडियो के लिए जुड़े रहिए सेल्फ अध्ययन के साथ। थैंक यू।